लगातार 15 दिनों से जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी अवैध रेत उत्खनन के मामलों को लेकर जिला प्रशासन से लिखित में खनिज प्रशासन से दूरभाष पर चर्चा करती रही और उनको बताती रही कि बाहर से आए हुए जो रेत के ठेकेदार हैं उनके व्यक्ति यहां पर अवैध गुंडागर्दी और दादागिरी करते हुए बंदूकों की संगीन पर साए पर ग्रामवासियों को धमका कर अवैध उत्खनन कर रहे हैं और उन्हें डरा धमका कर जो उनको रोजी रोजगार मिलना चाहिए था उससे भी वंचित किए हुए हैं। हमने लगातार जब जिला प्रशासन से शिकायत किया, पुलिस प्रशासन से शिकायत किया, खनिज विभाग से शिकायत किया, लेकिन प्रशासन ने जब किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की तो उन मैं तो उनको कहूँगा कि जो रेत के डकैत हैं, जो हमारे क्षेत्र के सोना, हमारे क्षेत्र के राजस्व को लूटने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इन डकैतों ने माननीय विधायक भूपेन्द्र मरावी जी की लोकप्रियता से घबरा कर ये आरोप लगाया है कि हमने विधायक जी ने उनके कार्यकर्ताओं ने मोबाइल और 50,000 रुपये की लूट की है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश के अंदर है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं तो कहता हूँ निष्पक्षता से जांच करा लें, CBI की जांच करा लें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, आज अवैध नाका वहाँ पर लगाकर बैठे पुलिस विभाग ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं किया? जब धारा 144 लगी हुई है, उनके गुंडे जो बंदूकों की साए पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरयाम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या जिला प्रशासन, खनिज प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ से नहीं निकला? क्यों उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया कि वो कौन लोग हैं और यहाँ पर किस हैसियत से बैठे हुए हैं और उनके पास 144 की जब धारा लगी हुई है तो क्या उनको अधिकार है यहाँ पर हथियार चमकाने का? उसकी भी मतलब कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उनको लगा कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, विधायक जी हमारा विरोध कर रहे हैं, जनता की आवाज़ है, यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है और उस तरह से लूटपाट हो रही है, जब विधायक जी दौरे पे गए तो उन्होंने जो शिकायत की, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मात्र 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर पर समनापुर थाना है, अमरपुर चौकी वहाँ पर 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। 100 डायल में करना चाहिए था, भानपुर से भी लोग लगी हुई बात तो बताते थे, लेकिन उन्होंने कोई वहाँ पर 100 डायल को भी कॉल नहीं किया। पत्रकारों को पहले सूचित किया कि हम विधायक के खिलाफ कल दोपहर में आवेदन पुलिस अधीक्षक को देंगे, ये भय पैदा करने का प्रयास किया विधायक जी के साथ और हमारे जो भोले भाले विधायक हैं, आदिवासी निर्वाचित विधायक हैं, उनकी छवि को यहाँ पर दूषित करने का, कलंकित करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूँ कि सारा संरक्षण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से यहाँ ठेकेदारों को मिला हुआ है, ये तो संभव नहीं कि एक कदम की दूरी पर यदि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस प्रशासन या खनिज प्रशासन या जिला प्रशासन के संज्ञान में ना हो। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर हैं और हास्यास्पद बात यह है, पूरे आवेदन को आप लोग देखिएगा कि प्रतिलिपि में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को भी संबोधित किया गया है, इससे साफ समझ में आता है कि ये संरक्षण चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और विधायक की छवि को खराब करके ये बतलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर लूटपाट करते हैं। ऐसी एक नहीं, मैं राजू खान जी से कहना चाहता हूँ, उनके ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, ऐसी एक नहीं आप सैकड़ों शिकायत कर दीजिए, कांग्रेस इस शिकायतों से विचलित होने वाली नहीं है, इसकी जांच हो। हम यहाँ पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, 12,000 की राजनीति जो चल रही है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवैध उत्खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे जिले को जो राजस्व की क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से उनको जेल के शिक्षकों के पीछे पहुँचाएंगे। हमारे ऊपर एक नहीं वो 100 मामले बनवा लें, उनके पास पैसा है, रसूखदार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को अभी 24 जगह पर चुनाव लड़ना है तो उनको उसके लिए भी उनको अर्थव्यवस्था इकट्ठी करनी होगी, तो रेत और शराब माफियों को खुली छूट देकर ये जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं इसकी भी हम शिकायत यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से करेंगे और गुंडों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करेंगे।